सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा LIC के बारे में। जी हां दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपना LIC में बीमा कराया हुआ है लेकिन उन्हें अपने बीमा का प्लान भी नहीं पता कि उनका कौन सा प्लान है, उन्होंने कौन सा प्लान अपना बीमा का लिया हुआ है। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बीमा करवा लेते हैं लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका जो बीमा है वो कितने लाख रुपए का है, कितने साल का है और उनकी जो नेक्स्ट EMI आने वाली है दोस्तों वो कितने रुपए आएगी और कब आएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल में ही अपने बीमा की पूरी हिस्ट्री देख लोगे कि आपका बीमा कितने साल का बाकी रह गया है, आपका बीमा कब स्टार्ट हुआ था, उसकी किस्त कितनी आनी है और आपकी जो नेक्स्ट EMI है वो कब आनी है। और दोस्तों आपने जिस एजेंट से बीमा कराया है उस एजेंट का नाम क्या है और जिस एजेंट को आप अपनी EMI किस्त देते हो वो आपकी EMI टाइम पे भरता है या नहीं भरता है, आप पूरी हिस्ट्री आप अपने मोबाइल में ही देख लोगे। ना ही दोस्तों आपको LIC ऑफिस जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी एजेंट से बात करने की जरूरत पड़ेगी, आप अपने मोबाइल में ही अपने बीमा की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने बीमा की हिस्ट्री पता कर सकते हो अपने मोबाइल में। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है LIC India.in। तो चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो गया आएगा, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है कस्टमर पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमें अपना यहाँ पे अपनी ID रजिस्टर करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको इसे डेस्कटॉप साइड पर लगा लेना है जिससे कंप्यूटर की तरह बन जाए। अब यहाँ करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा न्यू ईयर का और एक आ रहा रजिस्टर ना होगा, तो आपको न्यू ईयर पर क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको डालना है अपना पॉलिसी नंबर, जो पॉलिसी आपने अपने एजेंट से करवाई है LIC की उसका जो पॉलिसी नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर इधर आ रहा है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, यानी कि आप कितनी प्रीमियम भरते हो विदाउट टैक्स, आपकी जो भी किस्त आती है चाहे वो सालाना हो या फिर 6 महीने की, आपने जो भी बनवाई है वो किस्त जितनी भी आती है आपको किस्त यहाँ पर डालनी है। और दोस्तों आपको इधर अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इधर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। दोस्तों आपको ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालनी है क्योंकि आपका जो भी आप जो भी यहाँ से डाउनलोड करोगे, जो भी यहाँ से फाइल डाउनलोड करोगे वो आपको ईमेल आईडी पे जाती है, तो आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आता है पासपोर्ट नंबर का, तो आपको इसे स्किप कर देना है यानी कि छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और इधर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको सेलेक्ट करने के बाद इसे प्रोसीड कर देना है। तो दोस्तों जब आप इतना ये पूरा फिलअप करके जब आप इसे प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड बनाने का। सबसे पहले आपके जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको जब वो OTP आएगा तो आपको OTP डालना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करने का, जिसमें आपको 8 नंबर तक का एक पासवर्ड बनाना है जिसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, यानी कि आपको एक 8 नंबर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। जब आप इसे रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन का। तो दोस्तों इतना आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है और कैसे रजिस्टर करना है। दोस्तों रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है लॉगिन का, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें दोस्तों कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, जो मैंने जो यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है वो आपको वही फिलअप करना है, आप अच्छे समझ जाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो लॉगिन करोगे दोस्तों बात एक ही होती है, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आता है, यहाँ पर आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ती है। तो दोस्तों ऊपर आपको URID या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना होता है, आप कुछ भी डेट डाल सकते हो उसमें। बीच वाले में आपको दोस्तों अपना पासवर्ड डालना होता है, जो पासवर्ड आपने अभी रजिस्टर करते समय बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है,
और जो डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी आईडी को रजिस्टर करते टाइम पीछे डेट ऑफ बर्थ डाली थी अपनी, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको साइन करना है। तो चलिए मैं इसमें अपनी डिटेल डालता हूँ और फिर आपको साइन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर डाल दी है। अब मैं आपको यहाँ पर साइन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे साइन करोगे तो यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन लिंक का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ओके का, आपको इसे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसे ओपन ओके करोगे तो देखिए दोस्तों इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल पॉलिसी ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जितने भी पॉलिसी होंगी वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी, यानी कि आपके नंबर से आपकी ईमेल आईडी से जो भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी कि आपने अपने ऊपर कितनी पॉलिसी कराई हैं, अपने बच्चों के ऊपर कितनी कराई हैं, या अपनी वाइफ के या फिर अपने घर में किसी मेंबर के ऊपर कितनी पॉलिसी कराई हैं, सब यहाँ पर शो होंगी। तो दोस्तों देखिए मेरी एक ही पॉलिसी है जो लिख रही है सेल्फ पॉलिसी और बाकी सब कॉलम खाली डले हुए हैं। ऑल पॉलिसी में दोस्तों सिर्फ एक ही है क्योंकि मेरी एक ही पॉलिसी है। तो आपको इस पॉलिसी पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मेरी पॉलिसी जो है यहाँ पर शो हो रही है, तो मेरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी का नाम क्या है, यहाँ पर शो हो रहा है जीवन लक्ष्य। और मेरी जो दोस्तों इंस्टॉलमेंट है जो कितनी आती है, दोस्तों देखिए मेरी जो पॉलिसी है वो मेरी ये पॉलिसी है दोस्तों, ये 25 साल की पॉलिसी है। और मेरी इंस्टॉलमेंट दोस्तों 13,200 रुपये कुछ जाती है साल की। तो दोस्तों आपको इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने पूरी डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा पॉलिसी का नाम जो है राजेश राठौर मेरे नाम से है, पॉलिसी का दोस्तों नाम क्या है जीवन लक्ष्य प्लान, इंस्टॉलमेंट दोस्तों सालाना जाती है मेरी, यहाँ पर आपको शो रही होगी ये वाली, ये देखिए जी। और दोस्तों आपको यहाँ से आप यहाँ से यही पता कर सकते हो कि आपकी जो किस्त की ड्यू डेट है, यानी कि आपकी अगली किस्त कितनी तारीख को आनी है, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कि हमारी अगली किस्त कब आएगी, और उन्हें अपने एजेंट से पूछना पड़ता है या फिर एजेंट उन्हें खुद कॉल करता है कि आपकी किस्त आने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अगर पता नहीं है कि आपकी किस्त कब आने वाली है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और दोस्तों उसमें आपके पैसे भी शो होंगे कि आपकी जो किस्त आने वाली है वो कितने रुपए की आने वाली है, और दोस्तों आपका जो बीमा है वो कितने रुपए वाला है यहाँ पे शो होगा। और दोस्तों मेरी पॉलिसी इन फोर्स, पॉलिसी का जो स्टेटस है इन फोर्स है, यानी कि मेरी पॉलिसी दोस्तों अभी एक्टिव है। तो दोस्तों ये तो मेरी पॉलिसी का डिटेल है, आप यहाँ से बोनस इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। दोस्तों देखिए मेरी सिर्फ एक ही किस्त गई है, जब मेरी दूसरी किस्त जाएगी, जब मेरी एक किस्त का दूसरी किस्त पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर जो मेरी एक किस्त के पैसों से जो भी बोनस मुझे मिलेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ मेरी एक ही किस्त गई है और दूसरी किस्त अभी आई नहीं है। जब दूसरी किस्त आ जाएगी तो यहाँ पर जो हमारी किस्त के पैसों से जो हमें बोनस मिलता है, जो हमें पैसे एक्स्ट्रा जो हमारे बोनस में जोड़े जाते हैं, वो यहाँ पर शो होने लगते हैं। और दोस्तों तीसरा आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से पूरी डिटेल निकाल सकते हो अपनी पॉलिसी की कि आपने जब अपनी पॉलिसी कराई थी तो आपकी जो पॉलिसी है आपकी ईयर कितनी थी, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी ईयर शो हो रही होगी। आपकी पॉलिसी के टर्म्स, यानी कि आपकी पॉलिसी कितने साल की है, तो 25 साल की पॉलिसी है लेकिन हमें 21 साल भरनी है, ये देखिए 21 ईयर की पॉलिसी है। आपने पॉलिसी स्टार्ट कब कराई थी उसकी डेट इधर शो हो रही है दोस्तों देखिए, और हमारी पॉलिसी ख़त्म कब होगी यहाँ पर दोस्तों ये डेट शो हो रही है 2040 में ख़त्म होने वाली है। अब दोस्तों इधर देखिए कि आपने जिस भी एजेंट से पॉलिसी कराई थी तो दोस्तों उस एजेंट का नाम क्या है, और आपने जो पॉलिसी कराई है वो कहाँ पे कराई है, वो दोस्तों सब शो हो रहा है। देखो दोस्तों देखिए हमने जो पॉलिसी कराई थी वो LIC की पॉलिसी कराई है आगरा सिटी से, आगरा में कराई है। और दोस्तों जिस एजेंट ने हमारी पॉलिसी की है उसका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है भूपेंद्र कुमार। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी की पूरी डिटेल निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी पॉलिसी डलवा लेते हैं LIC में किसी भी एजेंट से, लेकिन उनको जो पता तक नहीं होता कि उन्होंने जो पॉलिसी कराई है उस पॉलिसी का नाम क्या है, उसमें कितने साल की पॉलिसी है वो,
और उनकी जो नेक्स्ट किस्त है वो कब आएगी या फिर कोई किस्त ड्यू तो नहीं चल रही है। आप यहाँ से दोस्तों अपनी पॉलिसी की डिटेल भी निकाल सकते हो इस तरीके से कि क्या होता है कि हम एजेंट को अपनी किस्त दे देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि वो हमारी जो किस LIC की पॉलिसी होती है, जो किस्त होती है, वो वहाँ पे नहीं करते और हमें लगता है कि हमारी किस्त भर चुकी है। दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे आकर यहाँ पे लॉगिन करके आप पता लगा सकते हो कि आपने जो अभी अपनी किस्त पे की है, अपने एजेंट को जो पैसे दिए हैं किस्त भरने के लिए, वो किस्त आपकी आपके एजेंट ने भरी है या नहीं भरी है। अगर आपके एजेंट ने नहीं भरी होगी तो यहाँ पर सो नहीं होगी। तो आप इस तरीके से अपने LIC की पॉलिसी की पूरी डिटेल निकाल सकते हो कि आपकी कितनी किस्त भर चुकी हैं और अगली किस्त आपकी कब आने वाली है और आपकी टोटल किस्त कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपने बीमा की पूरी हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हो अपने मोबाइल में ही। आपको बिल्कुल भी किसी एजेंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।